नमस्कार प्रणाम स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं नेपाल में आ चुका हूँ जो कि पूरे जंगल एरिया है और हम लोग टूर पे निकले हुए हैं जो कि बहुत साथी दोस्त हैं हमारे साथ। देख सकते हैं तो नेपाल एरिया कैसा होता है और क्या कैसा दृश्य होता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और बने रहिए, पूरे जंगल एरिया है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर एरिया है दोस्तों। तो चलिए हम आपको बैक कैमरा करके हम आपको दिखाते हैं दृश्य और जहाँ भी जाएंगे आपको चारों तरफ का दृश्य दिखाते चलेंगे। देख सकते हैं इधर और इधर चारों तरफ जंगल ही जंगल एरिया है। इधर का दृश्य पीछे का देख सकते हैं। चलिए हम आगे का दिखाते हैं बैक कैमरा करके आपको। और इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। दोस्तों आगे देख रहे हैं हमारा मामा जी चला रहे हैं गाड़ी। आगे का दृश्य जो है कैसा है, पूरे जंगल एरिया है जो कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। प्यारा दृश्य है दोस्तों। तो अभी हम लोग पूरब के तरफ जा रहे हैं, पूरब के तरफ जनकपुर जा रहे हैं। तो उधर जाने के लिए पूरे जंगल के एरिया से क्रॉस करना पड़ेगा मोटा मोटी दोस्तों 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर मान के चलिए 100 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल पड़ेगा। दोस्तों ये जयपुर है एरिया, नेपाल का एरिया है। कितना बेहतरीन एरिया है देख सकते हैं, जो कि हम लोग जयपुर में आ चुके हैं, अभी रुके हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ का एरिया बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है, कैसा कैसा है, आपको दिखाते हैं। तो आगे का दृश्य देख सकते हैं दोस्तों।
इतना नीतीश का हाँ नीतीश ने तो सब सस्ता में रहूँगा केने बानी देखे वो बोले मत हम चले कोनो बात नहीं कोनो कुछ ना करे चल हम बोल नहीं बानी ना ना बढ़िया बात वो तो डर नहीं आ कहां कोनी डिस्टर्ब देखे नहीं के चले जाओ चलो चलो कहां हमर फोटो खींच ली तारे अन्ना घूमना है ना केने घूम बोल लाता है हैने से घूमबे दोस्तों तो देख सकते हैं ये हमारा मामा जी है जो कार चला रहे हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं रास्ते में बहुत ही बढ़िया गाड़ी चलाते हैं और ये भी मामा जी है ये बड़े मामा जी ये छोटे मामा जी हाँ है ना जी अभी हम लोग कहाँ आए बन सर चंद्रनिगापुर चंद्रनिगापुर आए हुए हैं चंद्रनिगापुर तो ये दृश्य है जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य है आपको दृश्य दिखाते दिखाते कैसे और आगे देख सकते हैं हम लोग चल दिए हाँ आगे क्या दृश्य कैसा है नेपाल एरिया है ये जो हम लोग जंगल क्रॉस करके आ चुके हैं आगे आगे चलते हैं कि क्या क्या मिलता है सब दिखाते हैं आपको बने रहिए इस चैनल पे और इस चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें दोस्तों आपका लाड़ प्यार दुलार का हो सकता है आशीर्वाद बनाए रखिए तो हमेशा इस चैनल पे बने रहिए दोस्तों हम लोग बागमती पुल आ चुके हैं नेपाल का जो का बहुत ही फेमस पुल है आगे जो देख रहे हैं सामने दृश्य बैरेज है पानी रोकने वाला बैरेज है जो कि यहीं से पानी जो रोका जाता है पूरे इंडिया के तरफ जाता है जो यही पुल है जो बागमती का पुल नेपाल का जो है फेमस है और बहुत ही ज़्यादा यहीं से पानी निकल के जाता है बहुत लंबा चौड़ा है इंडिया के तरफ बहुत ही लंबा चौड़ा है दोस्तों बागमती बोला जाता है तो इधर देख सकते हैं दृश्य जो दूर दूर तक एरिया जो है कैसा है जो पानी आता है तो चारों तरफ भर जाता है और बाढ़ी जो आता है तो उस गाँव में तक चला जाता है अंदर तक तो यहीं से पानी जो है दोस्तों इंडिया के तरफ जाता है तो यही इसका नाम है बागमती तो जो नेपाल का जो फेमस नदी है जो भी है आपके सामने है तो यहाँ पे हम लोग बागमती आ चुके हैं फिलहाल बढ़ते हैं आगे और भी दृश्य देखते हैं क्या क्या होता है आगे बागमती गांव जो इलाका है यही है दोस्तों नेपाल का बागमती जो कि बागमती बोला जाता है पूरा एरिया यही है आसपास में यही है इलाका दोस्तों तो हम लोग आ चुके हैं लालबंदी देख सकते हैं सारे आदमी कहने ताका लालबंदी हम लोग आ चुके हैं सारे आदमी हम लोग आए हैं इधर घूमने और कौन जगह ये नौलपुर बाज़ार है ठंडा में रही ठीक बा ये हमारा मामा जी है दोनों मामा जी है नौलपुर बाज़ार है और कहाँ जाए वाला बनी सामनी हरिपुर हम लोग जाने वाले हैं और उधर का दृश्य कुछ देखने वाले हैं तो आपको भी दिखाते हैं और उधर गाड़ी है सामने चलिए तो हम ये नौलपुर बाज़ार है नेपाल एरिया है तो सरलाही है डिस्ट्रिक्ट और हमारा गाड़ी यहीं है और सारे दोस्तों यहीं है देख सकते हैं मामा जी ड्राइविंग कर रहे हैं पूरे नौलपुर एरिया है तो
तो गाड़ी में बैठ चुके हैं हम लोग, बैठने वाले हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं, गाड़ी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, सारे आदमी बैठ चुका है और हम भी हैं साथ में। और इस चैनल पे ज़रूर हमेशा लाड़ प्यार दुलार देते रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ावा बढ़ावा। नवलपुर दृश्य तो चल दिए हम लोग दोस्तों, हमारा गाड़ी निकल चुका, चलते हैं फिर आगे आपको बताते हैं ना। तो गाड़ी के अंदर हम लोग आ चुके हैं, गाड़ी भी चल दिया है। इधर देख सकते हैं ड्राइविंग कर रहे हैं मामा जी, बहुत ही मस्ती में है। आज मिठाई खिलाने वाले हैं स्पेशल, और कोई मिठाई खाएंगे तो ज़रूर बताएंगे। बड़े इधर आ गया है, मिठाई भी आ गया है, देख सकते हैं इसके अंदर है। यहाँ पे रसभरी बोलता है, रसभरी बोलते हैं, कुछ खास है इसलिए हम लोग आज छठ पर्व है तो उसके कल हम लोग घूमने निकले हैं एंजॉय करने। तो उसके साथ साथ आपको दृश्य हम दिखा रहे हैं। चलिए तो आगे हम लोग दोस्तों हमेशा इस चैनल पे बने रहिए और हमेशा लाड़ प्यार दुलार देते चले, क्योंकि नेपाल एरिया में मैं आ चुका हूँ। नेपाल एरिया का बहुत ही सारा दृश्य मैं दिखाने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छा से दृश्य दिखाने को। तो और जहाँ भी मैं जाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही बेहतरीन दृश्य आपको दिखाऊँ। और नेपाल एरिया का क्या क्या मतलब यहाँ का कल्चर है वो सब टोटल चीज़ बताने वाला हूँ, हर चीज़ मैं शेयर करूँगा आपको। तो क्योंकि नेपाल एरिया में मैं बहुत दिन पहले ही आया था लेकिन घर से निकल नहीं पा रहा था, अब कभी कभी मैं जाऊँगा नए नए इलाके पे, पहाड़ी इलाके पे, तो टोटल चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे। अब हम लोग गाड़ी का रेसिंग जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और हम लोग सफ़र कर रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग आ चुके हैं, फाइनली आ चुके हैं हरिपुर मंजिल, जो हम लोग जहाँ पे आना था वहाँ पे सब लोग आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ से जाते हैं अंदर जो कि हमारा रिलेशन है, और यहाँ से निकलेंगे तो भी आपको बताएंगे। चलिए तो आगे हम चलते हैं, निकलते हैं। चलो देख सकते हैं, तो हम लोग अपना काम को आगे निकलते हैं, यहीं पे आना था हम लोग का। उठला के बाद लोग केनो जाला हमको दिया से लटका पार्टी झगड़ा है धनी धुरे मारे को बेटा के जे बिया करे बात पर दांत के एको फिंटा स्प्राइट स्प्राइट सिरर बनी रहा। तो वीडियो देखाओ और फोटो चल गल दुनिया में अपने के भाई जी वो विजय जी है ना अपने के साथ लोडिंग हुआ
सब आदमी आप लोग का भी स्वागत है, आइए पीजिए, एंजॉय कर रहा है सब आदमी। मालूम नाम है सर के बेटी जते ही शादी भली के ये हरिपुर सरलाही एरिया है, नेपाल का सरलाही एरिया हरिपुर, देख सकते हैं। हम लोग का डिनर हो रहा है, देख सकते हैं डिनर, ये का नाम रहा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट उल्टे पड़े जो ब्रेकफास्ट हो रहा है, जो पहले कॉफी बागी आपके सामने है, तोरा जैसे कैसा है देख हमर घरे आ जाएंगे पड़ी ना, तो डायरेक्ट हमारा ब्रेकफास्ट कैसा है जरूर कमेंट करके बताएं, क्या ये सब व्यवस्था पूरा कर सही होता है नहीं होता है। सामने हमारा मामा जी है, डेट दिया गया सोमवार के दिन, वो मेला ठेला के चल दो, तो मेला ठेला गोरी मारा बुझल, सब दिन कमाई के बढ़ल ये बा आप पहले अपन रिश्तेदारी निभाओ ना, हाँ तो दोस्तों तो देख लिया हमारा ब्रेकफास्ट, बोले आ जा ना तो बागमती आ जा, बने रहिए वीडियो में अपन, जोन माने अपन जैसे कि सोमडी को आके अपन दूगो रूम व्यवस्था करके बुझल, जो देखा सुनी हुई कहते देखा सुनी करा रहे दोस्तों, तो हमारा देख सकते हैं ब्रेकफास्ट हो चुका है, इधर यहाँ का दृश्य कैसा है यही है जो भी है, इधर हम लोग नेपाल के अंदर बहुत ही दूरी पे आए हुए हैं, तो अपने रिलेशन के पास जो कि थोड़ा बहुत काम था उसी काम से हम लोग आए थे, तो यहाँ का दृश्य जो भी है मैं सोचा कि दिखा दिया जाए आपको, और हमारा जितने भी साथ में दोस्त हैं मामा जी हैं सब आदमी मेरे पीछे हैं, देख सकते हैं, और जहां भी जाएंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, जहां भी जाएंगे दिखाते चलेंगे जो कि टोटल नेपाल का दृश्य होगा, और बहुत ही अच्छा मतलब एरिया होगा, तो चलिए फिर बने रहिए और देखते चलिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों लगता है बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम अब रखना चाहेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए हम रखना चाहेंगे, अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।